उधर पलामू से एक और खबर, जहां पर हैदरनगर में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एक सप्ताह पहले यहां पर लूट की वारदात हुई थी। पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए लूट की राशि और मोबाइल फोन के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक अपराधी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। एसडीपीओ जितेंद्र कुमार के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और लुटेरों तक जा पहुंचे और अब लूट की राशि के साथ ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक अपराधी को पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसी की निशानदेही पर अब इस पूरे मामले का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया। हैदरनगर में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और एक सप्ताह के अंदर इस लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो हैदरनगर में एक लूटकांड हुआ था और उसमें पुलिस को तलाश से इन अपराधियों की, एक अपराधी को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद निशानदेही पर और पूछताछ के बाद बाकी के अपराधियों तक भी पुलिस पहुंची और इस पूरे कांड का उद्भेदन महज एक सप्ताह में पुलिस ने कर दिया। तो पलामू पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी, एक कामयाबी तो ये कि इसमें माओवादी गुड्डू सिंह को गिरफ्तार किया गया गुजरात से और दूसरी खबर कि लूटकांड से जुड़े एक मामले में भी लुटेरे को गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर पलामू पुलिस की तरफ से बहुत तेजी से अपराध पर लगाम लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस को सफलता भी मिल रही है। बता दें आपको कि डीजीपी अमित राव की तरफ से तमाम पुलिस कर्मियों को और हर थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में वो अपराध पर लगाम लगाए और साथ ही नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान वो चलाएं और नक्सलियों को